नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर खरे, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी सर्वविदित हैं, पूरे विश्व में कोरोना का महामारी फैला हुआ है, हाहाकार मची हुई है, लेकिन इन सभी के बीच में हमारे सुरक्षा बल, हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर और हमारे सुरक्षा बल, ये सभी हमें सेवाएं दे रहे हैं दिन रात अपने जान में जोखिम डालकर। इन सबके बीच में भी हमारे जो अन्नदाता हैं और हमारे जो किसान बंधु हैं, भूइयां के भगवान हैं, जो हमारे पालनहार हैं, वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज के डेट में कोई भी व्यक्ति कोई टेलीफोन, कार, मोटरसाइकिल कोई खरीदने नहीं जा रहा है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो जीवन निर्वाह आहार जो हमारे किसान बंधु उपलब्ध करा रहे हैं, और जो हमारे किसान बंधु दिन रात मेहनत खेत में करके सब्जी और खाद्यान्न की फसलें, दूध इत्यादि हमें घर पहुंच सेवा दे रहे हैं। मित्रों, ये बहुत ही परीक्षा का घड़ी जरूर है, पर हमें किसानों का पूरा सम्मान करना होगा, उत्साहवर्धन करना होगा, उनकी मेहनत को हमें, जिनके वजह से हमारी पूरे जीवन आहार निर्भर करता है, हम उन्हीं की वजह से खा सकते हैं, पी सकते हैं, घर में आसानी से जी सकते हैं, इसका पूरा श्रेय हमारे किसान बंधु को जाता है। लेकिन कुछ लोग साथी होते हैं जो बड़े बड़े हाई स्टैंडर्ड का दिखावा करते हैं, बड़े बड़े सिटी मॉलों में फिक्स रेट में लेते हैं, लेकिन वही जब बाजार में जाते हैं तो हर वस्तु में किसान भाइयों के सब्जी भाजी में 2-4 रुपए कम देते हैं। उन सबको आज मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि हमारे किसान बंधु जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपको जीवन निर्वाह आहार दे रहे हैं, उनका सम्मान करिए। चाहे वो ठेले में बेचने वाले हो, चाहे घूम घूम कर मोटरसाइकिल में या साइकिल में बेचने वाले हो, आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं, उन सभी का सम्मान करिए, क्योंकि हमारे किसान ही भूइयां के भगवान हैं, हमारे किसान ही अन्नदाता है और हमारे किसान ही पालनहार है। मित्रों, आज के विशेष चर्चा में सिर्फ इतना ही गुजारिश सहित आपसे फिर मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।